मध्य प्रदेश में फिर से एक बार मानसून सक्रिय हो गया है। आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा आप पिछले 24 घंटों की स्थिति आप सैटेलाइट इमेजिंग में देख सकते हैं, मध्य भारत के कई हिस्सों में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और उससे लगे पश्चिम बंगाल के हिस्सों में क्लाउडीनेस अभी तक है और साथ में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में जो एक चक्रवाती घेरा सक्रिय था वो और प्रभावशाली होकर लो प्रेशर एरिया माने जिला क्षेत्र बदल गया है। वहीं राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में क्लाउडीनेस देखी जा सकती है जहाँ पे एक चक्रवाती घेरा सक्रिय था और मानसून ट्रफ इन्हीं दोनों सिस्टम से होते हुए मध्य प्रदेश से शिवपुरी और सीधी माने उत्तरी सागर, नरसिंहपुर, अशोकनगर, रायसेन, शिवपुर कला, शिवपुरी, सीधी, अनूपपुर, इनमें भी कई जगह पे 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है क्योंकि ये जो सिस्टम है लो प्रेशर एरिया, इसका जो मूवमेंट है वो उत्तर की तरफ ज्यादा है, ना कि ये पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगा। इस वजह से जो मॉइस्चर आ रहा है उसका ज्यादातर प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश में रहेगा, जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश के जो उज्जैन और इंदौर संभाग के जिले हैं वहां पे बारिश की गतिविधियां उतनी सक्रिय नहीं रहेंगी। अगले 24 घंटों के दौरान आप मैप पे देख सकते हैं कुछ जिले जैसे सीहोर, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, शिवपुरकला, सागर, दमोह, छतरपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सीनी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, पन्ना, सिंगरौली, यहाँ पे हमने भारी वर्षा का येलो अलर्ट दिया है, माने रेनफॉल 6 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है, जबकि इनसे लगे हुए दूसरे जिले सभी जगह लगभग हल्के से मध्यम वर्षा, एक आध जगह 5 से 6 सेंटीमीटर बारिश भी दर्ज हो सकती है। जबकि 17 तारीख को माने कल बारिश की गतिविधियां थोड़ी घटी हुई रहेंगी। लखपुत जिले जैसे देवास, बेतुल, छिंदवाड़ा, सिवनी, अनूपपुर, शहडोल, पन्ना, सतना, यहाँ पे एक का जगह पे 5 से 6 सेंटीमीटर बारिश, जबकि ज्यादातर जगह पे हल्की से मध्यम वर्षा के ही चांसेस हैं। हालांकि 19 तारीख से बंगाल की खाड़ी में फिर से सक्रियता बढ़ेगी। पूरी मध्य प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का दौर शुरू हुआ, खासकर रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में, जबकि दक्षिण में नर्मदापुर और जबलपुर संभाग के जिलों में 20 अगस्त से एक प्रोमिनेंट हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो पूरे स्टेट में कह सकते हैं, ग्वालियर, चंबल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग, यहाँ पे कई जिले पे मध्यम से भारी वर्षा का दौर शुरू होगा और 21 और 22 अगस्त को कुछ जगहों पे अति भारी वर्षा माने 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज होने की संभावना रहेगी।